वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ हैशटैग क्वर्की हॉल्स। नाउ दिस वीडियो मैंने सोचा नहीं था, लाइक यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग शी इज लाइंग, बट टू बी रियली फ्रिकिंग ऑनेस्ट विद यू गाइज, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस बार आप लोगों के लिए एक सरोजनी नगर हॉल बनाऊंगी। आई वेंट टू सरोजनी नगर मार्केट थिंकिंग दैट आई विल मेक आउट टू आउटफिट्स फॉर द पूजो फेस्टिव नवरात्रि सीजन, एंड क्योंकि सरोजनी में कोई बंदा जाके दो तीन चीज़ें नहीं ले सकता, सेम हैपेंड विद मी, एंड मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ स्पॉट की एंड जो भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा मैंने ले ली। सो इस हॉल में ना कुछ भी पर्टिकुलर कि मैंने इतने टॉप्स लिए, इतने बॉटम्स लिए, ऐसा नहीं है, बिकॉज मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं एक हॉल करूंगी आप लोगों के लिए, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज, यू गाइज आस्क्ड फॉर इट। कोविड हैज प्रीटी मच हिट ऑल बिजनेसेस एंड आई डिडंट वॉन्ट कि मैं बहुत ज्यादा बार्गेन किसी के भी साथ करूँ, सो जो फेस्टिव आउटफिट्स वाली वीडियो थी उन्हीं की चीजों के लिए मैंने बार्गेन किया था, बट बाकी सारी चीजें जो ओरिजिनल प्राइस था वही मैं आपको बताऊंगी। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दिस अमेजिंग हॉल। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टॉप्स फर्स्ट। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस वाइट ट्यूनिक, या फिर ये कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती आप लगा सकते हो। दिस वॉज इन माई फेस्टिव आउटफिट्स चैलेंज वाली वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, मैं ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर लूंगी, मेक श्योर यू चेक इट आउट। एंड नवरात्रि सीजन अभी खत्म हो गया, इट्स स्टिल अ फन वॉच, एंड आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे फेस्टिव ऑप्शन आप लोगों के लिए क्या क्या है। उस वीडियो में मैंने आपको काफी इसके बारे में बता दिया था, बट आई गॉट इट फ्रॉम अ स्टॉल, फ्रॉम शॉप नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगी मैं, इट्स बिन 2 weeks तो मैं भूल गई हूँ शॉप नंबर क्या था, बट दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक। आई रियली लाइक इसकी जो ये नेक डिटेल्स है, यहाँ पे ना आपको क्रोशे सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग दी गई है एंड आई रियली लाइक इट, एंड बैक पे भी है, बैक में ऐसे जिगजैग टाइप का यहाँ पे थ्रेड भी लगा हुआ है, एक थोड़ा ऑफ व्हाइट सॉर्ट ऑफ कलर है, एंड आई रियली लाइक इसकी 3/4 स्लीव में ना आगे भी यहाँ पे लेस और क्रोशे डिटेल दी गई है। मुझे ऐसे टाइप के कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज आप इनको ना किसी सलवार के साथ और किसी प्लाजो के साथ भी पहन सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ बेसिक लुक। इसको अगर आप ब्लू ब्लैक जीन्स के साथ पेयर कर लोगे तो एक नॉर्मल बेसिक डे टू डे लुक भी बन जाएगी। दैट इज वाई फॉर versatility, I really like it. ये 100 रुपए की थड़ी से मुझे मिला, so this one for 100 rupees is great. All right, so the next top that I got is not from a थड़ी. Now वहाँ पे जाके ना सरोजनी के अंदर दो तीन गुफाएं हैं जहाँ पे एकदम एक लेन के अंदर काफी सारी शॉप्स होती है, तो उन शॉप और लेन का एक ही नंबर होता है, बट दे हैव लाइक 6-7 शॉप्स इनसाइड, सो मैं यहाँ पे अगेन मेंशन कर दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये टॉप कहाँ का है, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ बीची टॉप, बहुत ही सुंदर ऐसे ब्लाउज सा, एंड आई रियली लाइक दीज फ्लाउंस पूफी स्लीव्स आजकल, क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर ना ऐसे टाइप की स्लीव्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एंड इसमें ऑल ओवर एक कटवर्क है, लाइक इट इज अ लिटिल बिट सी थ्रू, सो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी अपनी स्किन। पहले जब लोवेस्ट जीन्स होती थी तो मैं क्रॉप टॉप्स नहीं पहन पाती थी क्योंकि टोन दिखती थी उसमें, एंड आई यूज टू फील सुपर अनकंफर्टेबल, बट क्योंकि अब हाई वेस्ट जीन्स आ गई है तो हम क्रॉप स्वेट शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स, क्रॉप ब्लाउजेस ऐसे टाइप के पहन सकते हैं। इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ पेट या मिडरिफ दिखता है, उसको भी अगर आप थोड़ा नीचे पुल कर लो तो नहीं दिखता है, एंड आई रियली लाइक इट फॉर द फैक्ट। एंड ऐसे टाइप के अगर आप ब्लाउजेस लोगे, मेक श्योर दैट इट हैज स्ट्रेचेबिलिटी फैक्टर यहाँ नेक में और नीचे आपकी कमर में, सो आपको स्मॉल साइज भी आ जाएगा। इसके अंदर ना बुहू का टैग लगा हुआ है, इफ यू गाइस डोंट नो, बाहर का बहुत ही अच्छा ये ब्रांड है, एंड इट इज इन द साइज स्मॉल। ब्लैक कलर जस्ट लाइक व्हाइट कैन नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, इन दोनों कलर्स को आप साथ में पहन सकते हो, बहुत अलग अलग और कलर्स के साथ पहन सकते हो, लिटरली यू कैन पेयर एनी कलर विद व्हाइट और ब्लैक। दिस आई गॉट फॉर 150 rupees फ्रॉम सरोजनी नगर अगेन। बाय नाउ यू विल प्रीटी मच नो कि मुझे ऐसे टाइप के फ्लाउन स्लीव ब्लाउज बहुत पसंद है, बिकॉज द नेक्स्ट टॉप दैट आई एम वेयरिंग दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम सरोजनी नगर, एंड इसके अंदर पीछे जारा का टैग लगा हुआ है, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। जब भी मुझे कोई ब्रांडेड चीज सरोजनी नगर में मिलती है ना, मेरी ऐसी आंखें बाहर निकल जाती है, जैसे कार्टून में होता था ऐसे कान खड़े हो जाते, आंखें बाहर निकल जाती है, बिकॉज आई एम जस्ट लाइक यू आर टेलिंग मी कि मुझे जारा, H&M, बूहू एंड ऐसे टाइप की चीजें मिल जाएंगी 100 से 200 रुपए में, लाइक आर यू किडिंग मी। सो दिस इज द टॉप दैट आई गॉट, नाउ दिस इज वॉट इट रियली लुक्स लाइक। इसका काफी डीप नेक है एंड इसकी भी ऐसी फ्लाउन स्लीव है, नॉट गोना लाइक इट्स अ लिटिल टाइट यहाँ से, एंड यू कैन ऑल्सो वेयर इट लाइक दिस, लाइक इफ यू आर गोइंग टू अ गोवा और अ बीची वेकेशन, तो आप इसको पहन के एक बहुत अच्छी मैक्सी कॉटन स्कर्ट या शिफॉन स्कर्ट के साथ घूम सकते हो, इट लुक रियली नाइस। इट्स अ लिटिल टू डीप फॉर माई लाइकिंग, तो मैं इसको अपने बालों से ऐसे कवर करके रखती हूँ एंड देन इट लुक्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इसमें ऐसे दो फैब्रिक नीचे कटआउट है जिसको आप ऐसे बांध के ना ऐसे आती क्या खंडाला बन सकते हो। आई पर्टिकुलरली गॉट इट फॉर द कलर, मुझे ऐसे लाइम ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा समरिश लगा, एंड आई थॉट जब भी मैं किसी बीची वेकेशन पे जाऊंगी, कहीं भी किसी ट्रॉपिकल लोकेशन पे, दिस विल कम रियली रियली हैंडी। ऐसे टाइप के कलर्स वहाँ पे बहुत चलते हैं, एंड इफ यू गाइज कैन मेक आउट
आउट. आज मैंने थोड़ा सा ऐसे समरी लुक बनाया हुआ है विद दीज चेरी इयर रिंग्स एंड दीज लिप टिंट्स. बहुत ही कम आज मैंने मेकअप किया है एंड दिस इज माई समर लुक इवन दो वी आर एंटरिंग इन टू फॉल एंड विंटर. बट या दिस टॉप जस्ट रियली स्क्रीम्स समर टू मी. दिस वन इज ऑल्सो फॉर 150 rupees. इनफैक्ट मैंने ये टॉप और ये टॉप दोनों सेम शॉप से लिया बिकॉज वहां पे काफी सारे ब्लाउजेस थे. अगर आप इसको पास से देखो ना, इसके अंदर एक चेक चेक गिंगम सॉर्ट ऑफ प्रिंट है. यहाँ बीच में भी आपको ऐसे सिंचिंग टाइप की डिटेल्स दिखेंगी विच आई रियली लाइक. मुझे ऐसे स्वीट हार्ट टाइप के गले वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं. डेफिनेटली अगर आपको ऐसी नेक लाइन्स, ब्लाउजेस और फ्लाउन स्लीव्स पसंद है, आप सरोजनी में इस शॉप नंबर से जाके ले सकते हो फॉर जस्ट ₹150. अनदर वेरी प्रिटी थिंग दैट आई गॉट, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई फेस्टिव सीजन वीडियो, इज दिस जैकेट या श्रग यू कैन कॉल इट. ये बहुत ही ज्यादा फेस्टिव है, बहुत ही ज्यादा चमचम है एंड दैट इज वॉट आई रियली लाइक अबाउट इट. एंड ये फेस्टिवल्स में बहुत काम आएगी. नाउ नवरात्रि चले गए हैं बट दिस जैकेट कैन बी योर दिवाली आउटफिट. यू कैन ऑल्सो वेयर इट इन छोटे मोटे फंक्शन. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. यहाँ पे बहुत सुंदर मिरर का काम किया गया है एंड यहाँ पे थोड़ी बुलेट्स लगी है. देन यहाँ पे काफी ज्यादा सिप्पी और अलग तरह की चीजें लगी हुई है. नाउ इसके ब्रांड का टैग यहाँ से काटा हुआ है सो आई रियली कांट मेक आउट कि कौन से ब्रांड का है. बट दिस आई गॉट फॉर 300 rupees एंड इसमें मैंने बिल्कुल बार्गेन नहीं किया. वन आई वेंट देयर भैया ने 300 बोला, मैंने 300 ही दे दिया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू बार्गेन. ये जैकेट मुझे काफी अच्छी लग रही थी एंड आई वॉज लाइक इफ आई बार्गेन एंड बोलू के 200 या 150 में दे दो तो फिर फेयर नहीं लगेगा बिकॉज इट हैज सच सुंदर काम. यहाँ का सिक्का गायब है, थोड़ा सा थ्रेड निकला हुआ है बट आई रियली डोंट माइंड इट फॉर जस्ट ₹300. अनदर प्रिटी थिंग दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई फेस्टिव आउटफिट्स वीडियो वॉज दिस ब्यूटिफुल मिरर वर्क चुन्नी. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. यहाँ पे ऐसे काजू कतली वाला डिजाइन है एंड इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर कलर और काम दिया गया. नाउ दिस चुन्नी आई गॉट फॉर 100 rupees. आई थिंक आई गॉट दिस फ्रॉम गली नंबर 18. मां 100 rupees की सेल लगी हुई थी. सो ये 100 rupees में आपको ब्लैक कलर की भी मिल रही थी, ब्लू भी मिल रही थी, येलो भी मिल रही थी बट मेरे आउटफिट के साथ रेड जा रही थी तो मैंने रेड ले ली. नाउ मूविंग ऑन टू सम बॉटम्स. द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस वेरी प्रिटी शॉर्ट स्कर्ट. नाउ मैं ऐसे टाइप की शॉर्ट स्कर्ट्स बिल्कुल भी नहीं पहनती एंड ये भी थोड़े ऑफ वाइट बेजिश सॉर्ट ऑफ कलर में है. ऑल्सो डेनिम स्कर्ट्स काफी टाइम तक चल जाती है एंड आई रियली लाइक के नीचे बॉटम बिना इसका थोड़ा सा ऐसे फ्रेड वाइब है. यहाँ पे भी जारा का टैग लगा हुआ है. ज्यादातर जो सरोजनी की चीजें होती है ना उसमें वो जारा का टैग बीच में से ऐसे काट देते हैं फॉर सम रीजन बट ये वाला बिल्कुल इंटैक्ट था एंड आई वाज लाइक आई नीड टू बाय दिस. दिस स्कर्ट वॉज फॉर 250 rupees एंड इसके लिए भी मैंने बिल्कुल बार्गेन नहीं किया. अगर आप डेनिम की चीजें वहां लोगे तो आपको 250 से 500-400 तक की मिल जाएंगी. इसके बहुत सुंदर ऐसी दो पॉकेट्स दी गई हैं विच इज रियली नाइस. सो 250 rupees में दिस स्कर्ट इज नॉट बैड एट ऑल एंड इस आउटफिट के साथ भी अच्छी जाएगी. सो मैंने एक रेड और गोल्ड प्लाजो ली थी एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. दिस वॉज टू चटक. मैं इसको ऑनेस्टली नहीं लेना चाहती थी. आई वॉन्टेड टू बाय इट इन मरून बट मेरी चुन्नी रेड कलर की आ गई थी. सो मुझे लगा कि आउटफिट को ठीक ठाक बिठाने के लिए मुझे लेना ही पड़ेगा एंड आई एम सो हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ दिस. दिस कपड़ा आई डोंट नो इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं बट इसमें इतनी सुंदर सुंदर ऐसी चुन्नटे सी हैं एंड इतना सुंदर फ्लो आता है. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक, सुपर फ्लोई. यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग भी दी गई है अगर आप टाइट करना चाहो इसको. द इलास्टिक इज प्रिटी ह्यूज. लाइक ये मेरी मॉम को भी आ जाता है, मुझे भी आ जाता है, मेरे से एक साइज छोटे वाले बंदे को भी आ जाएगा एंड द लेंथ इज परफेक्ट. नीचे भी ये बहुत सुंदर एक प्यारा सा स्ट्रेट कटआउट दिया गया है एंड वी लाइक्ड इट सो मच दैट माय मॉम डिसाइडेड कि हमें इसे और दो कलर्स में ले लेना चाहिए. ये वाला बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा क्योंकि ज्यादातर फेस्टिव के कुर्ते ऐसे मरून और गोल्ड में बहुत आते हैं एंड इफ यू डोंट हैव अ लोअर टू पेयर विद इट आप ये ले सकते हो. एंड दिस ऑल्सो इज वेरी क्यूट, बिल्कुल ऐसे नेवी से ब्लू कलर में. इफ यू गाइज कैन मेक आउट वॉज ओनली फॉर 150 rupees. सो हमने ये तीन ले लिया एंड रियली हैप्पी दैट सरोजनी में ऐसे टाइप के काफी ज्यादा लोअर्स हमें मिल गए. इसमें हमारा पूरा फेस्टिव सीजन निकल जाएगा, हर तरह के कुर्ते के साथ हम इसको पहन लेंगे. एंड भैया ने बोला काफी फ्री साइज है क्योंकि इसका स्ट्रेच बहुत अच्छा है तो ये स्मॉल से लेके एक्सेल या डबल एक्सेल वाले बंदे तक आ जाएगा. सो यू कैन सी कि ये इतना कमर का है एंड देन व्हेन यू स्ट्रेच इट ये मेरी पूरी स्क्रीन से बाहर जा रहा है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग जो मैं वो गुफा वाली शॉप से लाई जिसका एक ही नंबर होता है बट अंदर काफी शॉप्स होती है. दिस इज अ वेरी प्रिटी मैक्सी ड्रेस. सो सामने आप देखोगे लेस और क्रोशे डिटेल लगी हुई है, यहाँ पे स्ट्रैप है एंड इट इज कट स्लीव. लाइक कैन यू बिलीव क्वर्की ने कट स्लीव ले लिया बट इसके ऊपर मैंने जैकेट पहनी थी. बट आई एम planning to wear more cut sleeves now because मैं अब पहले से बहुत कम conscious हो गई हूँ अपने डोलो को लेके which is a great thing for me. and यहाँ पे ना अंदर एक printed कपड़ा लगा हुआ है जिसके ऊपर ये ऐसे थोड़ा सा net detail दिया गया है तो अंदर से ना ये थोड़ा सा झांकता जब आप पहनो तो which looks really pretty in my opinion. then when you go below तो यहाँ पे ना एक cinching sort of material है कमर की साइड पे कट सा आता है एंड यहाँ पे आपके नीचे लगे हुए हैं black pom pom जो ज्यादातर दिखते नहीं है बट दिस इज वॉट दे लुक लाइक. एंड देन नीचे जाते 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 बहुत ही ज्यादा कलरफुल हो जाता है. बट आई वॉज रियली शुकीरा के पूजो के टाइम पे बहुत सारे बॉन्ग्स आके मुझे बोल रहे थे कि आई लुक रियली प्रिटी. सो आई फेल्ट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप बाय द वे बिकॉज वो लोग भी बहुत अच्छी तरह टॉप नॉच ड्रेसअप होके आए थे. मुझे थोड़ा लोकी प्राउड फील हो रहा था बिकॉज हेड टू टो मैंने सरोजनी के कपड़े पहने थे. दिस ड्रेस वॉज फॉर 200 rupees.
आई थिंक ये चैलेंज का पार्ट था, इसलिए मैंने डिस्काउंट मांगा था भैया से, वो 350 या 400 की बोल रहे थे. अनदर अमेजिंग थिंग फॉर 200 rupees, दिस इज माई फेवरेट थिंग ऑफ दिस सरोजनी नगर हॉल, इज दिस वेरी वार्म एंड फजी बाथरोब. यू गाइस, दिस इज सो फ्रिकिंग क्यूट. अगर आपको याद हो, मैं लास्ट ईयर जब सरोजनी गई थी, मैं एक बहुत ही चटक मजेंटा पिंक कलर का बाथरोब लाई थी. उसमें ना क्यूट पॉकेट्स नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉल टाइप का वो बाथरोब है. एंड आई रियली वॉन्टेड दैट मैं जाऊँ और इस बार नोट करके लाऊं कि कौन सा शॉप नंबर है जहां पे आपको क्यूट क्यूट बाथरूम मिलेंगे, जैसे कभी एक टाइम पे क्लब फैक्ट्री और शीन पे मिलते थे. सो शॉप नंबर यहां मेंशन हो जाएगा. एंड द कलर, ओ माय गॉड, मैं इस कलर पे फिदा हो गई. दिस इज सच अ क्यूट बेबी पाउडर ब्लू प्लस वायलेट मिक्स, ये बिल्कुल एकदम बीच का कलर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है. एंड देन दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड लव टू लाउंज, ये लार्ज साइज में है एंड दिस इज मेड इन कंबोडिया. आई रियली लाइक के पूरी यहाँ पे ब्रांडिंग अच्छी तरह से दी गई है. एंड सरोजनी नगर में काफी ज्यादा अच्छे ब्रांड्स के अब कपड़े मिलने लगे हैं. सो दिस इज व्हाट द स्लीव लुक्स लाइक, यहाँ स्लीव पे भी बहुत सुंदर ऐसी पाइपिंग वगैरह दी गई है. देन आई लव द फैक्ट दैट इट हैज पॉकेट्स. हैव यू गाइस हर्ड दैट सॉन्ग जो रील्स पे वायरल हो गया था, इट हैज पॉकेट्स, इट हैज़ पॉकेट. सो या दिस वन हैज़ पॉकेट. सो यहाँ एक साइड में पॉकेट है एंड दूसरी साइड में भी पॉकेट है. आज जब मैं नहाई तो मैंने इसी बाथरूम को यूज़ किया एंड इट फेल्ट सो वार्म एंड कोजी. लाइक ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इट्स लाइक अ स्नगली ब्लैंकी सॉर्ट ऑफ मटीरियल. लाइक आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन फटाफट नहा के कपड़े पहनो तैयार होकर बैठो वैसे टाइप की, बट इसको पहन के मुझे मन ही नहीं किया कि मैं उतारूँ और अपने रियल कपड़ों में आऊँ. आई जस्ट फेल्ट लाइक इसको पहन के बस मैं बैठी रहूँ. एंड जो मैं लास्ट टाइम अपना बाथरूम लाई थी उससे इसकी लेंथ भी काफ़ी बेटर है. इट्स लाइक काफी लंबा लेंथ, तो बहुत ही कम आपके एंकल्स और टांगे दिखती है. एंड देन दिस इज द बेल्ट जिससे आप बीच में अपने आप को ऐसे बांधोगे. सो ऑल इन ऑल आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट बाथरूम दैट आई हैव एंड दिस इज ओनली फॉर 200 rupees. आई एम रियली हैप्पी दैट सरोजनी नगर में ना बहुत ज्यादा वैरायटी मिलने लगी है. पहले होता था कि टॉप कुर्तीज और बॉटम्स मिल जाते थे, बट आई एम जस्ट मेसमराइज कि अब ऐसे बाथरूम्स और वहाँ पे सॉफ्ट टॉयज और प्लशीज वगैरह मिलने लगी है. मोबाइल कवर्स इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के हैं एंड ज्वेलरी तो वहाँ की टॉप नॉच है ही. लाइक मेरे को जो इंस्टाग्राम स्टोर्स पे ज्वेलरी मिलती है ना, वैसे टाइप की ज्वेलरी सेम मैं ला सकती हूँ बहुत ही कम दाम में. सो दिस वॉज ग्रेट फॉर 200 rupees. लेट्स मूव ऑन टू ज्वेलरी नाउ. फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट एज अ पार्ट ऑफ माई चैलेंज इज दिस वन. दीज आर सम पर्ल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल इयर रिंग्स एंड इसमें बहुत ही सुंदर काम है. अंदर सिपियां लगी हैं, यहाँ छोटे छोटे पर्ल्स हैं या लटकते हैं बड़े बड़े पर्ल्स एंड डबल लेयर्स हैं. एंड मैंने इसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर देखा है. आई थिंक ऐसे टाइप के इयर रिंग्स सेम मुझे किसी इंस्टाग्राम स्टोर ने भी भेजे थे, मुझे सिर्फ 50 rupees के मिले. नाउ मेरे को ना पिछली वीडियो में जो मेरी सरोजनी नगर की थी उसमें नीचे कमेंट आया था कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको 50 rupees के नहीं मिले. ना मुझे ना सरोजनी नगर जाके सबको मुंह दिखाना है, वहां के सारे भैया मुझे जानते हैं. मैं 5 साल से सरोजनी नगर पे बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, तो ऑलमोस्ट एवरीवन नोज मी देयर. दैट इज व्हाई आई कैन नॉट रियली लाई. अगर मैं वहां जाके बोलूंगी ना कि भैया ये 50 rupees का मैंने वीडियो में दिखाया, वो मुझे चप्पल मार के भगा देंगे. सो दिस वॉज रियली फॉर 50 rupees. ना आई नो कि वहां पे काफी सारी शॉप्स हैं एंड 2-3 शॉप से मैंने ऐसे इयर रिंग देखे थे. पहली शॉप पे मुझे 150 का मिला. सरोजनी इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट शॉप. अगर आप थड़ी पे जाओगे तो आपको डेफिनेटली 50 rupees के मिल जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है. अनदर थिंग दैट आई गॉट इन पर्ल डिजाइन आर दीज इयर रिंग्स. दीज आर सो फ्रिकिंग क्यूट. ये मेरे टिपिकल दिवाली काजू कतली इयर रिंग्स. आई रियली लव द शेप. बिल्कुल इसमें मुझे ना काजू बर्फी की ही याद आती है. नीचे इसमें इतने सुंदर सुंदर मोती लटक रहे हैं. जस्ट लुक, इसको लगाने से ही ना लुक इतना ज्यादा पॉलिश और इतना ज्यादा फेस्टिव लगने लगता है. आई फील लाइक आई एम दिवाली रेडी इवन इफ आई एम वेयरिंग अ बीच टॉप. सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. ये मैंने लिए 350 rupees के. नाउ इसमें बहुत ज्यादा काम है, कुंदन का भी एंड मोती का भी, एंड नीचे काफी ज्यादा झालर झालर लगे हैं. तो आई फील लाइक 350 वॉज अ डिसेंट प्राइस. मैं ज्यादा बार्गेन करना नहीं चाहती थी, तो 350 rupees में मोती वाले इयर रिंग्स आई फील लाइक मैं दिवाली में पहनूंगी, बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे. अनदर अमेजिंग पीस जिसके लिए मुझे दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले वॉज दिस नेक पीस, दिस चोकर पीस दैट आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर. नाउ शॉप नंबर मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इसके अंदर बहुत सारे उनके पास कलर कॉम्बिनेशंस थे, ब्लैक में, ग्रीन में, बट मेरी जो सरोजनी की वो जो 200 rupees की ड्रेस थी उसके साथ यही सबसे ज्यादा मैच हो रहा था. इसके अंदर आपको पिंक मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, उसी का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है. बीच में रेड रेड एलिमेंट्स भी हैं. एंड व्हेन यू ट्राई टू पेयर इट विद एनीथिंग ना, इट जस्ट रियली मेक्स यू लुक लाइक अ बंजारा एंड इट लुक्स सो प्रिटी. लाइक इट इज अमेजिंग. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट इट इज दैट इसके अंदर वो गांठ वाली चीज नहीं है जिसमें आप ना एक स्टोन से ऐसे टाइट कर सकते हो चोकर को. इसमें आपको खुद ही वो पीछे गांठ बांधनी पड़ती है एंड कभी कभी टाइट हो जाती है तो खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. अदर देन दैट दिस इज अमेजिंग फॉर 200 rupees. एंड
200 रुपीज में सिर्फ ये चोकर नहीं मिल रहा था, आई ऑल्सो गॉट इयररिंग्स इसके साथ. दीज आर द क्यूट डेंटी इयररिंग्स दैट आई गॉट विद दिस वन. बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रिटी लगते हैं ये. अगेन आपको अगर किसी कलरफुल लुक के साथ ना पहना हो, यू कैन पेयर इट विद अ ब्लैक चिकनकारी कुर्ती, येलो पिंक कुर्ती, सॉलिड कुर्तीज के साथ भी आप पहन सकते हो, व्हाइट कुर्ती के साथ भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. गॉट अनदर नेक पीस जो की थड़ी जब लेके घूम रही होती है ना कुछ लेडीज, उनसे मैंने लिया एंड दिस इज ओनली फॉर 100 रुपीज. नाउ इसमें मैंने बार्गेन किया था, आई थिंक वो बोल रही थी 250 या 200 का, और मैंने ये 100 रुपीज का ले लिया बिकॉज फर्स्टली आई थॉट मैं ये वाला पहनूंगी अपनी पूजो लुक में, सो आई बार्गेन फॉर दिस वन. आई एम रियली सॉरी बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये थोड़ा ऐसे टाइप का है जिसको आप नॉर्मली ऐसे अपने गले पे टांग के पहन सकते हो एंड दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक ऑन मी. दिस ऑल्सो गोज विद दिस टॉप क्योंकि इसके अंदर ना स्टोन्स येलो येलो से लगे हुए हैं एंड ये ब्लैक मेटल में है. इट इज नॉट योर टिपिकल सिल्वर जंग ज्वेलरी, इट्स योर ब्लैक मेटल बंजारा ज्वेलरी एंड दिस इज व्हाट द स्टोन्स इनसाइड लुक लाइक. येलो येलो स्टोन्स लगे हुए हैं. वी ऑल्सो हैव टू थिंग्स फॉर 150 ईच एंड दे आर दीज थिंग्स जिसके लिए मैंने बार्गेन किया था. सो ये तो 150 में मुझे मिल गया, ये भैया 300 का बोल रहे थे बट मैं इसको 150 में ले आई. ये भी मैंने गली नंबर 18 से लिया था एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इसके अंदर बहुत सारे कलर्स मिल रहे थे, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड बहुत पूरा गोल्डन वाला भी. एंड आई फील लाइक अगर आप एक ऐसा कलर लो ना एक्सेसरीज में जिसमें एक वार्म टोन हो और कूल टोन हो तो वो दोनों टाइप की ज्वेलरी के साथ चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सिल्वर ज्वेलरी पहनी है तब भी ये चल जाएगा बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ सिल्वर इनसाइड. एंड अगर मैंने गोल्डन इयररिंग पहनी है उसके साथ भी ये बहुत अच्छी तरह चल जाएगा क्योंकि इसमें काफी गोल्ड का काम है. सो दिस पोर्टली इज ग्रेट फॉर शादी सीजन, फॉर दिवाली, एनीथिंग फैंसी. एंड इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो. देन इट ऑल्सो हैज दिस थिंग राइट हेयर जो मुझे पसंद नहीं है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ शूलेस, लाइक बिल्कुल शूलेस वाला मटेरियल है. बट 150 रुपीज में नॉट बैड एट ऑल. एंड इसके अंदर आपका शगन का लिफाफा, आपकी ज्वेलरी, आपकी लिपस्टिक, टचअप वाले आइटम सब कुछ आ जाएगा एंड द वर्क इन इट सेल्फ इज सुपर अमेजिंग. नेक्स्ट थिंग फॉर 150 आर दीज चप्पल्स. नाउ आई एम नॉट अ फैन ऑफ इतनी ज्यादा फ्लैट चप्पल जिसमें बिल्कुल भी हील ना हो. अगर फेस्टिव आउटफिट चैलेंज वीडियो ना होती आई एम नॉट गोना लाई, मैं ये नहीं लेती. बट अगर आपके घर में राखी है, भाई दूज है, दिवाली के दिन कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं एंड यू जस्ट रियली वॉन्ट टू लुक लाइक यू आर इन अ फेस्टिव मूड तो आप ये पहन के घूम सकते हो अपनी कुर्ती के साथ. देयर इज समथिंग अबाउट पर्ल एंड गोल्ड एक्सेंट्स जो कि एक फेस्टिव वाइब एकदम से किसी भी चीज में ऐड कर देती है. सो दीज आर द चप्पल्स दैट आई गॉट फॉर 150 रुपीज. लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस फोन कवर राइट हियर. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये मेरे 12 प्रो मैक्स के लिए है एंड दिस इज सुपर बिग. बट मुझे ऐसे टाइप का ना ऐसे ऑरोरा रेनबो इफेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था एंड ये लाइट बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट भी करता है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. मेरा अभी ये वाला फोन कवर है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था एंड व्हेन आई स्विच इट विद दिस वन राइट हियर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है ये मेरे हाथ में भी. ऐसे में अगर हेलो कौन बोल रहा है, हाँ मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो ऐसे टाइप में बहुत अच्छा लगेगा. थोड़ा सा फिंगरप्रिंट इस पे लग जाता है बट आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज. एंड आजकल फोन कवर्स बहुत महंगे हो गए हैं लेकिन मुझे ये काफी अच्छा लगा बिकॉज इसके साइड में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे एजेस हैं एंड बाय चांस इफ आई ड्रॉप माय फोन तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगी यहाँ पे विच इज ग्रेट. सो रियली लव दिस फोन कवर एंड दैट इज इट फॉर माय सरोजनी नगर हॉल वीडियो. एंड इफ आई हैव टू गिव यू वन जस्ट वन रिकमेंडेशन, डू गेट दिस बाथरोब यार. आई एम टेलिंग यू इट विल चेंज योर लाइफ एंड योर बेदिंग स्टाइल, लाइक यू विल सिट इन इट whole day. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed this haul and I will see you super soon with my next video. If you're seeing my face for the very first time, check out all the videos linked below. I know you're gonna love them and if you do, subscribe to my channel, hit that bell notification to get updates on every time I upload a new video, every Tuesday, every Friday, super super 11 baje, and follow me on all my socials right there, especially on Instagram because I'm super active there and I'll see you next time. Bye!